तूने ये मेरे लिए बनाया है, अपने हाथों से तो मैं जरूर खाऊंगा। क्या हुआ? मिठाई तो ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मैं क्या करूं, मेरे दांत जो है ना बड़े कमजोर हैं, पत्थर को तोड़ नहीं पा रहे हैं। बेबे ये क्या है? इससे तोड़ ले, नहीं तो दांत टूट जाएंगे तेरे। ऐसे क्यों बोल रही हो बेब्स? मैं तो तुम्हारी असिस्टेंट हूँ ना। स्वात मिट्टी असिस्टेंट हो, एकदम निकम्मी है। ये सब सिखाया मैंने तेरे को ऐसे बनाने, और तुझे पता है ना डॉक्टर ने इसे मिठाई खाने से मना किया है। और चौधरी तूने तो दिवाली पे मिठाई खानी थी ना। बेबे मैं खा कहाँ रहा हूँ, निम्मू आई थी बड़े प्यार से, बोली मैं अपने हाथ से बनाए हैं तो चख लो, मैंने चख रहा हूँ। अब आप नहीं चाहते तो नहीं चखता, लो निम्मू अपना लड्डू अपने पास रखो, इन्हें को खिला दो। बड़ा एहसान किया है तूने पेप्स, तुमने जानबूझकर मुझे गलत सिखाया ना, ताकि यीशु मेरी मिठाई ना खा सके। मैंने नहीं, तेरे कोई अक्ल नहीं है, 10 बार भी सिखाऊंगी ना तो ऐसा ही घटिया बनाएगी तू। झूठी ओल्डी 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 शन्नो 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 निमो निमो निमो। कब तक खाओगी बंसो रानी? जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता तब तक। तेरा पेट है या कुआं? है कुकी, तू मुझे नजर मत लगा, दिवाली का रोज आंधी है। अरे दिवाली को तो आने में अभी 2 दिन बाकी है, और तूने तो अभी से साल भर का कोटा पूरा कर रखा है, फूल के गुप्पा हो जाएगी। गुप्पा ना तू होगा, तू मैं तो पुप्पी हो जाऊंगी, समझे ना पुप्पी। कुकी रब दी सौ, तेरे नाल जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा है। मेरे नाल जीने का? ए लड्डू जन्म देगा? तो मुझे नजर मत लगा, देखना मैं कितनी दुबली हो गई हूँ। कमजोर? और तुम ऐसा क्या काम करती हो बताओ मुझे? अरे अरे कितना काम करना पड़ता है मनु, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा, ये सब काम तुम करती हो? अरे नहीं तेरे से कराती हूँ ना, ये क्या कम काम है, कितना बड़ा काम है। तो मुझे खाने दे तू, तू खा लड्डू। हाँ परजाई जी। ये बच्चे कहीं बाहर गए क्या? नहीं परजाई जी, बच्चे तो सारे घर में ही हैं, रविंदर के कमरे में बैठे हैं सारे। बच्चे सारे घर में और रविंदर भवन में, इतनी शांति ऐसा कैसे हो गया? मैंने एक प्लेट भर के दी थी मिठाई की, मजे से खा रहे होंगे वो लोग। बेबे आपने भी प्लेट भर के दी है? ये शैतान ना मुझसे भी प्लेट भर के लेके गए। और परजाई जी मुझसे भी लेके गए, बदमाश है सारे बच्चे। अच्छा तो शैतान सबसे लेकर गए, देखती हूँ मैं। रविंदर जल्दी निकाल। अरे पापा जल्दी निकल लो, मुझे बहुत चोटों की पट्टी आई है ना। रविंदर जल्दी कर, बहुत जोर की पट्टी आई है। तुम तो रुकोगे 10 मिनट? अरे मेरे को भी टॉयलेट जाना है, जल्दी आना प्लीज। 10 मिनट अब जिसको जाना है जाओ। रोहन क्या हुआ है तुझे? आंटी ऐसा लग रहा है कि दिवाली के सारे पटाखे आज फूट रहे, वो भी बाहर नहीं बैठ के अंदर। क्या? अरे मम्मी ऐसा लग रहा है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हो। ऐसा तो तब होता है ना जब भूख लगती है। अरे मम्मी पूरी बात तो सुनो। तो पूरी बात
बात सुनाओ तो। चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ी, बिल्ली के पीछे कुत्ते। रविंदर, अब तो लगता है कि डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर? कुछ नहीं कर सकते,